शहर के राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय में ऑक्सीजन पर्याप्त आपूर्ति करने, वार्डों में साफ सफाई, बंद वेंटिलेटरों को चालू करवाने सहित अनेक समस्याओं को लेकर विधायक रावत रविवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपखंड कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके समर्थन में ब्यावर के उपसभापति रेखव चंद खटोर तथा जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत भी धरने पर बैठे। भाजपा पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने विधायक रावत को माला पहनाकर भूख हड़ताल पर बैठाया। इस दौरान विधायक रावत ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय उन्हें कोई अपने नंबर नहीं बढ़ाने और न ही कोई वोट लेने हैं, क्योंकि अभी ऐसा कोई समय नहीं है जो राजनीति की जाए। मैं केवल अपनी जनता के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठा रहा हूं। मैं मर जाऊं परवाह नहीं, मगर मेरी जनता को मरते नहीं देख सकता। सरकार एवं प्रशासन ने जिस तरह से ब्यावर के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रखी है वो ठीक नहीं है। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोविड वार्डों में सफाई नहीं हो रही है। स्टाफ की कमी के कारण रोगियों की ठीक से सार संभाल नहीं हो पा रही है। रावत ने उनकी भूख हड़ताल की चेतावनी पर राजनीतिक छिटाकसी करने वालों को भी दो टूक शब्दों में जवाब दिया है कि उनके धरने प्रदर्शन से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ भी गया तो यह सारी ऑक्सीजन ब्यावर के लोगों के लिए ही काम आएगी, विधायक के घर के लिए नहीं। यह समय राजनीति का नहीं वरन ब्यावर की जनता की सुरक्षा के लिए आगे आकर कदम बढ़ाने का है। विधायक रावत के भूख हड़ताल पर बैठने की सूचना जो ही प्रशासन एवं सरकार तक पहुंची, सरकार एवं प्रशासन हरकत में आ गया। दोपहर 3 बजे के करीब अजमेर से RS विशाल दवे ब्यावर पहुंचे, तब विधायक रावत को उनकी सभी मांगों पर सहमति प्रकट करते हुए भूख हड़ताल समाप्त करवाई। इस दौरान भाजपा पार्षद मंगल सिंह मोनो, पार्षद कुलदीप बोहरा, सुरेंद्र सोनी, अनिल चौधरी, दलपतराज पुरोहित, बबलू चौहान, गोपाल सिंह रावत, मनोज तमन, हंसराज शर्मा, वेदराज भाटी तथा त्रिलोक शर्मा आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यावर की जनता ने मुझे 3 बार भी लगातार अच्छे मतों से जीता करके और मुझे विधानसभा में भेजा। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनकी जीतने के बाद, चाहे वो भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे वो जनता दल का है, चाहे वो किसी भी दल का है, किसी भी जाति का है, किसी भी गांव का व्यक्ति है, किसी भी समाज का, वो सब की रक्षा करना मेरा कर्तव्य और फर्ज बनता है। वेंटिलेटर चालू हो रखे हैं हमारे ब्यावर में भी, सारे वेंटिलेटर दूर जा रहे हैं, नए नए वेंटिलेटर आकर के यहाँ पड़े हुए हैं, दूर जा रहे हैं। लेकिन एक वेंटिलेटर को चालू करने के लिए कम से कम 10 सिलेंडर की जरूरत होती है। तो जब तक ये सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति नहीं करेगी तो वेंटिलेटर चालू कहाँ से होंगे। इसलिए जितने भी जो वेंटिलेटर हैं वो सारे चालू मिलने चाहिए। हमारा उठने से पहले वेंटिलेटर सारे चालू हो और ब्यावर में जितनी आवश्यकता हो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की वो पूर्ति हो, तब जाकर के हम सब उठेंगे।